बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने लास्ट शोज भी देखे कि मुख्तलिफ जगहों की हम सैर करें और अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या मुश्किलात आती हैं। मेरे साथ हमेशा से मेरी लेफ्ट साइड पे कुछ मेहमान भी मौजूद हैं जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, और हमारी को होस्ट भी जो है मौजूद है। थैंक यू सो मच ईमान फॉर ज्वाइनिंग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते हैं जी, आज एक हम रेलवे अड्डे की जानिब, और क्योंकि जिसका भी दौर है, आज़म सबाती साहब आजकल वैसे तो न्यूज़ की जीनत हैं, वो इसके मिनिस्टर रहे हैं, साद रफीक साहब ने काफ़ी अर्सा यहाँ पर गुजारा, शेख रशीद साहब ने भी इस मिनिस्ट्री को काफ़ी टाइम दिया, लेकिन आवाम का पुरसाने हाल जो है वो शायद कोई भी नहीं है। और वही हालत है कि रेलवे घंटा घंटा लेट होती है, जो पैसेंजर हैं वो जल्दी टाइम पे आ जाते हैं, लेकिन पैसेंजर्स को उस तरह प्रोटोकॉल नहीं मिलते, उस तरह उनकी बात मानी नहीं जाते। तो आए चलते हैं, ज़रा देखते हैं कि क्या चल रहा है। वैसे आज तो मुझे खाली नज़र आ रहा है सारा रेलवे, अल्लाह खैर करे कि क्या बनता है। Oh my God, it's too much hot here. How can I survive? Hello. Oh, hi. 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 How are you? I'm good. Where are you from? I'm from US. US. That's yes. Good. You just come for a visit or to explore Pakistan and to see the culture of Pakistan. You know, agriculture. Yeah. What you most like here? Our people, our culture, our foods. Food also, but most important thing, I came here to explore some culture. Yeah. Oh, which dish is your favorite here? Biryani. Biryani. You love biryani. Yes, yes. It's tasty food, I think so. Yeah. Which you most love here? Which personality you love here? Nawaz Sharif. Why? Obviously. Why? Why Nawaz Sharif? He's a good politician. Yeah. Thank. What you say about for Pakistani railway? Actually, not a good experience. There is too much noise pollution and railways too much late. I'm waiting. आजा पागे आजा ये पहुंच आया। आये ओए अदरा अदर मेरे कोल खलो अदरा। शोर मत करे, शोर में डिस्टर्ब। तू मामा लगता है? ओ कौन है तू? ओ किन्नू किन्नू इत्थे बुला लैंदे हो? ऐ वेख ऐ वेख आपकी किस चीज से मुतासर होते? सामना करना पड़ता है मैडम, गवाही देना। सीधा सीधा बोल चुकी दौर है, बॉडी गार्ड की होता है। आप बैठे जी, बैठे बैठे आप। मैं इत्थे बैठ जाना। ते की हाल है? उठ तू, बैठ जाना है। उठ तू। एक तो मेरी जनानी मैनू किसी जगह नहीं बैन देती। मैं उधर बैना जी है, आई लव यू, आई लव यू। मेरी दिलेरी का जिक्र पूछना तो इनसे पूछो, परसों आपके पीछे काले रंग का कुत्ता लग गया। यस जी, लग काला और हल्का सा रेड कलर भी होगा उसका। ओए काले रंग का कुत्ता, ओए होए। अच्छा रेड कलर की, रेड कलर की शर्ट, तुम हो गए काले रंग का कुत्ता आपके पीछे लगा। यस बैठे बैठे आप। अच्छी, क्योंकि वो रईस है, वो कभी भी लाफ्टर नहीं देगा, वो बस खड़ा रहेगा। बह जा ना, बह जा पागा, बह जा। वो बीबी शीरी जरे गुले, वो बीबी शीरी वो जरे गुले, वो गुलबानो वो चरता से किधर रह गया वे, वो गाड़ी निकल जाएगा वे, वो गुलबानो छोड़ के चला जाए। मैं आएगा, मैं बैठेगा, फिर वो करेगा फिर हम जाएगा। वो थोड़ा ब्रेक लगा हुआ, इधर क्या लगा हुआ है? तुम्हारा जुरत कैसे हुआ है कि तुम गुल खान को बोलते है कि इधर शोर ना करो? तुम कौन है अपना? चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार जात का कुरली। और बात सुनो मुरली, क्या बोला है तुम? ओ चौकीदार, इन्हें खान देखो क्या बोलता है, बता फिर मुझसे बात करती है। अच्छा गुल खान लाला बैठे, आप बैठे ना, बाद में मारिएगा, मैं आपको खुली इजाजत दूंगा। बात सुनो,
ਉਖਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਠਾਣ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਲ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਖੈਰ ਦੇ ਆ ਖੈਰ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨ ਹੈ ਓਏ ਦੱਸੋ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਨਾਨ ਇਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਓਏ ਓਏ ਗੁਲਬਾਨੋ ਆਰਾਮ ਸੇ ਮਾਰਾ ਕਰ ਇਧਰ ਆ ਇਧਰ ਆ ਕਰ ਰਹਾ ਤੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਫ ਕਰੀ ਛੋੜੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ये देखो मेरा कपड़ा सारा कुछ है मैं मांगने वाला नहीं हूँ मैं मजबूर हूँ मेरा थोड़ा थोड़ा पैसे सब मिला के मेरा टिकट ही करवा दो यार ये ऐसे वैसे झूठे लोग होते हैं टिकट तुम्हें मैं दिलवा देता हूँ कहाँ जाना है तुमने मलिक साहब मैंने लाहौर जाना है चलो लाहौर का टिकट आपको करवा देते हैं ओ यारा हमारा भी दो टिकट काटो यारा लेकिन एक बात याद रखना कि पिछली दफा जब तुमने हमको टिकट दिया था तो हम कड़ा होके गया हमारा तो खैर है हमारा तो खैर है हमारा तो खैर है लेकिन हमारा बीवी ये खड़ा होके क्या ये हमको बर्दाश्त नहीं है बात सुन मेरी जो बात की है वो करिए उंगली नीचे कर मामा जो ना दो टिकट दे चमक के ना तू मुझको जानता नहीं है गुलबानो मलक साहब ऐसा लोग होता है ना ये हम जैसे मजबूरों का भी आंख खींच लेता अच्छा मैं टिकट वाला नहीं हूँ भाई तुम बेकारी हो अबे बात सुनो किसी चार्ली की औलाद ये क्या इधर मुझे रखे दो मिनट बात करने तो तुम मुझको जानता नहीं है इधर आराम से कलर है टायर पहले हम बात कर रहे दो बड़ा आदमी बात कर रहा है बीच में ये आ जाता है एक तो मांगता है आगे से बातें करता है भाई साहब मैं टिकट वाला नहीं हूँ वो तो तू इधर क्या कर रहा है अच्छा गुलबानो मैं समझ गया अच्छा तू वो वाला है वो छोटा कितने का है बड़ा कितने का है 10 रुपए कितने क्या मैंने बाप का छोटा बड़ा क्या कह रहे हैं आप भाई जो स्टेशन पे कोने पे होता है वो ए वो बाथरूम में नहीं तुम कराए ये तुम्हें लग रहा है कि बाथरूम वाला ये बाथरूम का माहौल लग रहा है ये तुम्हें ये पीछे क्या है हमारा सेट लगा हुआ इतना अच्छा जैसे बाथरूम लग रहा है तुम्हें खान साहब ओ तुसी नहीं समझ रहे हो पकौड़ियां दी रेडी लाइन है ये ओ बात सुनो मुझे पहले शक था ये कोई ऐसा लग रहा है और रेडी लाई है उसने पकौड़ियां दी रेडी लाई है मैंने भी भूख लगी है ओ गुलबानो हम इधर किस लिए बैठे है हम इधर चाख मार रहे है ये तेरा गुलखान और बात सुनो हमें 1 किलो नस्वार वाला पकोड़ा डाल दो नस्वार वाला पकोड़ा यार मैं पकोड़े नहीं बनाता भाई नस्वार वाले पकोड़े नहीं बनाता मैं बात सुन ये चर्सी चप्पल कबाब हो सकता है नहीं वो नस्वार वाला नहीं लेकिन वो सिर्फ नाम है ना उसके अंदर चरस यूज तो नहीं होती ना अच्छा चल छोड़ यार तू पांगा वाले पकोड़े मेनू बना दे अच्छा मेरी बात सुन आपने यहाँ समोसे तो नहीं लगाए हुए हैं यार देखो मैं ना पकोड़े वाला हूँ ना समोसे वाला हूँ क्या बात कर रहे हो यार अल्लाह मेरा शक्ल से तो तुम हमको वही लगता है यार रेडी वाला लगता है और तुम क्या है यार इधर को बहुत बड़ा अफसर है यार क्या करता है तू इधर बैठ के नहीं मैं अफसर नहीं हूँ लेकिन मैं मतलब बैठा हूँ यहाँ पे मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ यहाँ पे प्रोग्राम किस चीज का प्रोग्राम करता है तू हमारा टीवी पे प्रोग्राम चलता है हम आप लोगों को मसाइल दिखा रहे हैं आप लोग तो मेरे साथ ही हमारा कौन सा मसला है हम दिखाएगा ये जो तुम्हारा जनानी है इतना गर्मी है यहाँ पे यार वो ठहरो ना यार तुमको गर्मी लगता है गुलबानो हम तुमको पंखे चोलेगा इधर देखो अवेक कुछ जना को तू सीख ये कौन है वो खुदा का कसम वो टायर ना वो ट्रेन वो खुदा का कसम हमने समझा जलजला आ गया अब जलजला आएगा बात सुनो ये क्या मारा है तूने मक्खी ऐसे नहीं मारता ओए वो नकल के बादल हां साहब अपनी अमशीरा के पास बैठो अपना बैंक का इबादत करना है हम जरा जंग पे जा रहे हैं जंग पे फिर बस यूं क्या यूं आया तुम बैठो आज के बाद तुम तो क्या तुम्हारा बाप क्या तुम्हारा दादा क्या तुम्हारा परदादा किसी का मक्खी नहीं मारेगा हम तुमको बताते हैं कि मक्खी कैसे मारता है
यूं समझे कि ये मक्खी बैठा है, कहर ये मक्खी बैठा है, ये मारता है, इसने मारता है। बात सुनो, अल्लाह के बंदे क्यों मारा हो तूने? बात सुनो, तुम हमको क्या समझता है? क्या करते हैं? अभी बात सुनो ना, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे, बात सुनो, तुम क्या समझते हो? मक्खी मारता है और तू मक्खी मारेगा ना? मुझको बोलना मक्खी मारेगा, बोलना तुमसे पूछता है गुलबाना, तुम हमारे झगड़े में मत बोलो, हम इससे पूछते हैं। मैं एक बात में बोलूंगा खान साहब, खान साहब एक बात, एक बात है, इसने आपको पहले मारा है तो ये अब आपका हक बनता है क्या? जब तक देखे वो अभी भी हंस रहा है, हंसती है, हंसती है, हंसते है, हंसते है, ये हंसती है, पास्ते है। बस सुनो, तुम हमको, हमको तुम जानता नहीं, टांगे नीचे करो, नीचे करो टांगे, बैठो, खान साहब कोई और लड़ाई ने शुरू कर देना। बस सुनो, हम तुमको, वो तुमको नहीं छोड़ेगा, ओए इधर मक्की बैठा हो, इधर बैठा हो, अब करेगा कोई मक्की नहीं मारता, कोई मक्की नहीं मारेगा, बस करो, मर जाएगा गरीब है। बस सुनो गुलबानो, हम ना अपना माँ का सुनता है ना बाप का सुनता है, तुम्हारा बात सुनता है हमारा छोटे छोटे माँ बाप, अब वो बड़े हो जाएगा, इतना मारेगा ना, इधर आना, तू आगे से बात करता है, खान साहब हम अपना बैंक का हिफाजत कर रहा था, ये मुस्टेंडा आके हमें उठा के खुद बैठ गया, खुदा चुप चाप, चुप चाप, चुप, मेरी गल तो सुन कान, मेरी गल सुन, ओ अल्लाह की कसम मेरी भैन, अल्लाह की कसम मेरी भैन, बात सुनो, वो छोड़ो, बात सुनो, बात सुनाओ, इधर क्यों बैठा तू है, इधर क्यों बैठा, हमारा बहन है, क्यों बैठा यार, हमारा बहन, क्यों बैठा भाई यार, हमारा बहन, भाई यार हमारा बहन है, हमारा बहन है, वो ट्रेन जा रहा है, खान हमारा बहन है, हम बोलता है यार तुमको, जाओ जाओ जाओ, हाँ, ओ खान मैं कसम चुकता, मेरी दूर की बीवी है, बात सुनो, दूर का है या करीब का है, तूने ये क्यों कहा है? अब मेरी बात समझ आई, बात सुनो, नीचे देखो, आके निकालता है, आके निकालता है, ओ ओ पागा, आके निकालता है, ओ मेनू बचा ले पागा, मेरे नाल तो बड़ी पिटदी है तू, ओए ओए मेरे नाल तो बड़ी पिटदी है, अच्छा आ ना, अच्छा आ जा, खान साहब, खान साहब, खान साहब, वन टू थ्री, खान साहब, बात सुनो, बस कर जाओ मड़ा, बैठ जाओ, खान साहब थोड़ा आराम से, सांस को गुस्सा दिलाती है, आराम से, आराम से, इस तरह देखे आपने सारा रेलवे स्टेशन उखाड़ा हुआ है, आप इस तरह हर जगह लड़ाई करते हैं, जब इज्जत का मसला होता है ना तो फिर ये अड्डा रेलवे स्टेशन हम नहीं देखते है ना, हां वो देखे वो, आपको आराम है अभी, पहले ना बेहतर, खान साहब, मैडम कुछ आपके लिए लाऊं? कॉफी प्लीज, आपकी मक्खी का आराम है अभी, मक्खी ठीक है आपकी? जी लेकिन आज एक तजर्बा मलक साहब हुआ कि आज आइंदा के बाद मक्खी को इजी नहीं लेना, और पठान का मक्खी नहीं मारना है, पंजाबी का बेजा पक्की मार, हमारा मक्खी नहीं मारना, सारा फसाद मक्खी मक्खी नहीं मिला, आपको मक्खी ने काफी फसाद फैलाया आपकी, हाँ जी बिल्कुल, मक्खी इसके बाद बेशक खान साहब को चढ़ेल भी इसको आके खा जाएगा,
ये क्या मकसद बदतमीजी करता है? बैठे हेलो हेलो कहां से बैठे 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 मेरे सर बदतमीजी करते थे शाहकार कब से मैं ये चांस ढूंढ रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई फिल्म डायरेक्टर कोई ड्रामा डायरेक्टर मेरी इस आवाज को सुने मुझे प्लेबैक सिंगर बनाए लेकिन हमेशा की तरह वही लोग जिनका ये खानदानी काम जिनके पुरखों ने पहले गाया चाहे उनसे गाने हुआ या ना हुआ वही लोग इसमें मुसल्लत हैं क्या चुरासी तो क्या कोई और घर ना इल्म उन्होंने कहीं पे बांटा ना कहीं किसी को दिया अपनी औलादों तक महदूद रखा और इल्म भी खत्म हो गया। कुछ सुनाएं जी हमें आप इतनी प्यारी बातें कर रहे हैं कुछ अपने अंदाज में कुछ गुनगुना मैं अपने दिल के जज्बात सुना सकता हूँ सुनाएं सुनाएं गाना कुछ सुना दें आज हमें कुछ कुछ गुनगुना दें मैडम नूर जहां का गाना है आज चंद माही दो में प्यार कर ये काफी देर से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे तो मेरे दिल में ये बात है कि मैं आपको यही गाना सुनाऊं प्यार करिए मुझे समा जा को रस मारी बाजा को मुझे समा जा को रस मारी बाजा को ना डरिए प्यार करिए इनके लिए ताली होनी चाहिए थी और बैठे आ गए। अच्छा नाजिर विकार अगर हम बात करें कल्चर की तो लड़ाई और हंसी मजाक अपनी जगह लेकिन ये सारा कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के अंदर हो रहा है कि आर्टिस्ट जो है उसको उसका वो मकाम नहीं मिल रहा सिंगर्स को वो मकाम नहीं मिल रहा तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के थिएटर मुख्तलिफ़ किस्म के टेलीविज़न की जीनत बन के अपनी पेट पूजा कर रहे हैं और यही मेरे ख्याल में इस मुल्क कालमिया भी है लेकिन अभी तक ट्रेन इनकी नहीं आई और इन्होंने मुझे काफ़ी टाइम भी दिया आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका सबका अगर कोई मिली नगमा जितने भी स्टूडियो में बैठे हैं हम सारे मिल के गाते हैं अगर आप कोई गुनगुना दें और हम सारे उसको इन्जॉय करते हैं यहीं पर बैठे बैठे गुनगुनाएँ और हम सारे कोशिश करेंगे क्यों इस मुल्क के लिए हमारा जान भी हाजिर है हाँ। इस मुल्क के लिए मिली नगमा हम भी गाएगा हाँ। मिल के गाएगा हम सब ये प्रेमी के सब भाई मां की दुआ पूरी हुई और हमें इतनी गाओ गौर गई गैया अल्लाह का एहसान है हमारा
पाकिस्तान है हम हाल हम शान हम देश की जान है हम पाकिस्तान है हम पाकिस्तान है हम पाकिस्तान है ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन थैंक यू सो मच जी आप लोगों ने देखा सुना और यही है कि हमारा मैसेज कि हमेशा इकट्ठे रहें मुल्क पाकिस्तान के लिए इकट्ठे रहें बशर्ते जिंदगी कल दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान जिंदाबाद।